गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडी कॉलेज चाक्स द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जो आपके कॉमन पेपर होता है कंपलसरी का पहला टॉपिक टेंस से आपकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। हालांकि आपके दिमाग में ये बात शायद हो सकता है आई हो कि सर टेंस तो हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हम तो तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको समझ में आया पूरा? नहीं। कारण डिफरेंस ऑफ मेथड, अब तक आप पढ़ते आए थे टेंस ये वाला टॉपिक, लेकिन बन क्या गया वो आपके लिए न जुड़ गया, इसके आगे समझ में नहीं आया, इसलिए बन क्या गया टेंशन, जो आपको समझ नहीं आया आज तक। इसलिए आज हम सबसे पहले शुरुआत या मेथड में कहता हूँ कि इसको इस न को हटाएंगे बन। इसके लिए आपको ध्यान से मेरे वीडियो को देखना होगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। टेंस नाम का ये टॉपिक आपसे दो तरीके से पूछा जाता है, या तो पूछेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में, या आपसे पूछेगा ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, मतलब हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए या इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए। तो दोनों ही मेथड्स को मैं काम में लेते हुए आपके सामने वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला है आपके ये प्रेजेंट, दूसरा आता है आपके पास्ट, तीसरा आता है आपके फ्यूचर। ये सभी को पता है, फिर भी अब मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? चार। पहला है आपका इंडेफिनिट, दूसरा आता है आपके कॉन्टिन्यूस, तीसरा आता है आपके परफेक्ट, चौथा आता है आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और सेम ये कि ये चारों स्टेप यहाँ भी कॉपी होंगी और यहाँ भी कॉपी होंगी। देखिए कैसे, ठीक है? अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चारों में जो कि प्रेजेंट के ही पार्ट हैं, में एक चीज़ हम बिल्कुल मोस्ट कॉमन देखेंगे, वो क्या रहेगी कि जब इन सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हर सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा है या हूँ या हो, कोई सा भी हो चारों में से। तो हमारे पढ़ने का मेथड जैसे मैं कहूँ वैसे बिल्कुल मेथड चेंज होना है आपकी बार एकदम ब्रेन वॉश। हाँ जी, और सेम चीज़ पास्ट में, अगर पास्ट का कोई सा भी पार्ट हो, एक दो तीन और चार, ठीक है, इसका भी एक दो तीन और चार, पास्ट का कोई सा भी सेंटेंस हो, सेंटेंसेस के लास्ट इसका एक दो तीन और चार, इन चारों में जो कोई सा भी पार्ट हो सेंटेंसेस के लास्ट में हिंदी में क्या आएगा, या तो था या थे या थी, ठीक है? सेम वही चीज़ फ्यूचर में क्या रहेगी,
गी, ठीक है। या होगा, होगी या होंगे, या जो भी है। हाँ जी, अब ये तो हो गई पहचान हिंदी की। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? लास्ट में आएगा है, हूँ या हो। पास्ट में आएगा था, थे या थी, कोई सा भी हो चारों में से पार्ट। फ्यूचर में गागेगी या होगा, होगी, होंगे। अब इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में हिंदी की पहचान वाले ही लेता हूँ सेंटेंस आपके सामने सबसे पहले। तो इंडेफिनिट के, अच्छा एक बात और ध्यान से, ये जो प्रेजेंट टेंस है ये थोड़ा एडवांस्ड, नई खोज करने वाला, नई शुरुआत करने वाला, और ये दोनों जो है पास्ट और फ्यूचर दोनों ही आप इनको कह सकते हो टीपू सुल्तान। कोशिश करेंगे मतलब इस प्रेजेंट को कॉपी करने की, मोस्टली कुछ एक कंडीशन को छोड़कर। जैसे मैं आपसे पूछूं इंडेफिनिट की पहचान, तो ता, ते और ती। ता है, ती है, ते है, नहीं बोलना है। इंडेफिनिट पूछा है मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। तो इंडेफिनिट में होती है ता, ते, ती। अगर ये इंडेफिनिट प्रेजेंट का है तो आप जोड़ दीजिए इसको, है, हूँ, हो। जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, ऐसे करके। अब ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट की पहचान लिखी गई है ता, ते, ती, तो भाई ये भी तो इंडेफिनिट ही है, तो यहाँ भी ये लिख दो ता, ते, ती। अगर पास्ट का है तो था, ती, थे जोड़ दो, ता, था, ती, थी, ते, थे। यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि ये तो सभी में कॉमन रहेगा एकदम। अच्छा एक बार इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, गा, गे, गी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई सा भी कार्य जो अभी कंटिन्यूटी में है, चल रहा है। और टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस कितने होते हैं, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। चारों के, छः के छः कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक चीज़ तो कॉमन होती है, वो क्या, रहा या रहे या रही। अगर ये चीज़ जो है सेम यहाँ भी रहेगी तो इसका, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है आपको इस टेक्निक से, कि जो अगर आपको एक याद है तो बाकी के दो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब तक आप पढ़ते आए थे इस मेथड से, इस वाले मेथड से। ये कौन सा रास्ता है, नीचे गर्त में जाने का, कुएं में पड़ने का रास्ता। पहले इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यू, ऐसे ही पढ़ते आए तब तक। लेकिन इससे क्या होगा, सारा बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगा एकदम। और ये जो मेथड है फॉर्म गो फॉरवर्ड, आगे जाने का रास्ता, तरक्की वाले पे, इससे क्या होगा इस मेथड से कि आप एक याद करेंगे, केवल प्रेजेंट को याद करेंगे, पास्ट और फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा आपका। जैसे कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या बताया मैंने आपको, रहा, रहे, रही। तो सेम चीज़ आप यहाँ भी कॉपी कर दीजिए बिल्कुल एकदम, नो प्रॉब्लम। रहा, रहे, रही, वही आप यहाँ भी कॉपी कर दीजिए। रहा, रहे या रही, प्लस क्या ऐड होगा, ये वाला प्लस होगा या होगी या होंगे, ठीक है। सेंटेंसेस जैसे मैं खाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं खाना खाता हूँ,
मैं खाना खाता था, मैं खाना खाऊंगा, तीनों इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस में रहा, रहे, रही। मैं खाना खा रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, आप खाना खा रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में आ जाइए आप, उसी रहा, रहे, रही को काम में लेते हुए। वह खाना खा रहा था, खाना खा रहे थे, वह खाना खा रही थी, इधर, वह अभी। कुछ आवश्यक कार्य कर रहा होगा, रहे होंगे, कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस छेड़ा है तो कंटिन्यूअस पहले पूरा ही कर लेते हैं। वहाँ तीन कर लिए, तीन और कॉन्टिन्यूअस आप कर लीजिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? रहा, रहे, रही। सेम, रहा, रहे, रही। इधर भी वही बात कि रहा, रहे, रही। लेकिन आप देखिए ये क्या था? कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन कौन सा वाला? परफेक्ट वाला। मतलब जो इसमें है वो तो इसमें आएगा, लेकिन इसमें वो भी है जो इसमें नहीं है। मतलब कॉन्टिन्यूअस के आगे कुछ ऐड किया हुआ है, परफेक्ट। तो हिंदी में भी कुछ जोड़ना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। वो क्या जोड़ेंगे? से। टाइम को शो करने वाला वर्ड है ये से। तो क्या होगा? से रहा है, से रहे हैं, से रही है। वह 2 घंटे से आपको अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, तो जो से वो यहाँ है, वो ही आपका यहाँ भी आएगा, इधर भी आएगा। ठीक है, अब आ जाइए आप थर्ड वाली लाइन जो अपन ने स्किप कर दी थी बीच में। परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसको आप ऐसे लीजिए, जैसे मैंने क्लास में आपको कोई काम दिया, बेटाओ इस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है विद इन 5 मिनट। अब फिर क्या होगा कि जो क्लास में सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा उसकी आवाज़ पहले आएगी। सर मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, सर हम लोग कर चुके हैं। तो चुका, चुकी, चुके शब्द का प्रयोग कौन करेगा? जो परफेक्ट होगा, समझ जाना। चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कौन होगा? जो ये कहेगा सबसे पहले, सर मैं कर चुका। तो मतलब चुका, चुके, चुकी, वही चुका है, चुकी है, चुके हैं। जो इधर है वही बात, रघुकुल रीत सदा चली आई। जो इधर है वो इधर भी है। चुका, चुकी, चुके। इधर भी है चुका, चुकी और चुके। प्लस ये तो आना ही यहाँ पे। ये मैं अलग से आपके ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडेफिनेट में तो केवल गागेगी आता है, और बाकी बाकी के तीनों में होगा, वो सब जरूर आएगा आगे। ठीक है, आगे। अब आगे देखिए आप इनकी मेन वर्ब। ये तो आपका चार्ट हो गया केवल कि हिंदी की पहचान कैसे की जाए, कि कोई सा भी अमुक टेंस, सो एंड सो टेंस कौन सा वाला है, कौन सा पार्ट है। तो ये तो हो गई पहचान के आधार पर। अब आ जाओ आप सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेन वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है,
होने में तो फोर्थ और फिफ्थ भी होती है, लेकिन मैं बात करूँगा केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जिस वर्ड की होती है वो क्या होती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कितनी कौन कौन सी फॉर्म काम में ली जाती है टेंस में? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आप सबसे पहले मेन वर्ब देखिए कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म को कौन से टेंस में काम में ली जाएगी। इसके लिए आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैं आपको इसके कॉलम बना दिए देता हूँ। बाद में आपको इससे कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। और हो सके तो आप भी डिफरेंट कलर के पेन से ही ये कॉलम बनाइए, उससे फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, खिचड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली जाएगी? आपके फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इसमें पास्ट इंडेफिनिट के मतलब टॉप ब्रांच टेंस की पार्ट तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट के भी तीन पार्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इस इंडेफिनिट के भी पार्ट हैं कितने? चार, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव। वो हम डिस्कस करेंगे ये चार्ट पूरा करने के बाद। आप फिलहाल इतना देख लीजिए कि इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म का। और इसमें भी केवल पास्ट इंडेफिनिट के पहले पार्ट मतलब अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी के तीन निगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों में ही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होगा? फर्स्ट का, ठीक है। पेट दर्द नहीं हो आपका इसलिए लिख देता हूँ मैं, वी टू इन अफर्मेटिव, मतलब वी टू का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन कहाँ? केवल और केवल अफर्मेटिव में। बाकी के तीन निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तीनों में प्रयोग करेंगे वी वन का ही। आगे आ जाइए आप, इधर भी वी वन, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जो काम ये करेगा उसी की कॉपी ये लोग भी करेंगे, खुद का दिमाग काम में नहीं लेंगे, केवल इसकी नकल ही करेंगे। करेंगे भी तो कुछ नया अपनी तरफ से करेंगे, तो वो करेंगे ओनली और ओनली 10%। कितना? ओनली 10%। कितना? ओनली 10%। समझ आया आपको? ठीक है, इंडेफिनिट क्लियर है सभी को? जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक। अगला, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का होता है? केवल फर्स्ट फॉर्म का। फर्स्ट फॉर्म। फिर आप आगे आ जाइए, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में भी क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, इधर भी फर्स्ट फॉर्म, इधर भी फर्स्ट फॉर्म। बोलो जोर आ रहा है कि याद करने में? नहीं आ रहा। अब कुछ अलग है, अगर सेम करेंगे तो टेंस का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, अलगाव नहीं कर सकते, पहचान नहीं कर सकते। तो टेंस बनाने वाले ने कुछ अलग से पहचान जरूर दी इसको। कॉन्टिन्यूस में हमेशा क्या रहेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही, इसके साथ आईएनजी जरूर आएगा हमेशा। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी जरूर आता है, अगर आईएनजी नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं है। अगर फिर वही बात, अगर इसने आईएनजी लगा दिया भाई मैं भी लगाऊंगा आईएनजी, लगाओ भाई इसके भी लगाओ, यहाँ भी लगा दिया, अब यहाँ लगाया तो बाकी का तीन भी चल हल्ला करेंगे, साहब हमारे साथ भी लगाओ, हम भी कॉन्टिन्यूस के ही हैं। ले भाई ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इधर भी लो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इधर भी लो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
नो टेंस में तो कहीं का इस्तेमाल किया, केवल फर्स्ट फॉर्म का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नो टेंसेज में। और वी टू का प्रयोग संसार में केवल एक ही बार होता है, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में वी टू का प्रयोग होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसके अलावा कहीं भी कोई यूज नहीं होता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का। आगे बची कौन सी, फर्स्ट फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, बची थर्ड फॉर्म। कौन सी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिए आप देखिए ये कौन सी लाइन थी, फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में लगाएंगे थर्ड फॉर्म, इधर भी थर्ड फॉर्म, इधर भी थर्ड फॉर्म, इधर भी थर्ड फॉर्म। कहो मजा आ रहा है या नहीं। आगे आ जाओ मेन वर्ब का भी चक्कर के लिए, थर्ड लाइन में थर्ड फॉर्म है केवल, बाकी सब जगह फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का भी चक्कर खत्म। आगे अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब, पास्ट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव। उससे पहले आप एक बात और देख लीजिए कि संसार में या कह दीजिए पूरी ग्रामर में केवल दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव, इन दोनों में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इसके अलावा प्रत्येक टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, मॉडल में होता है, पैसिव में होता है, नरेशन में होता है। केवल टेंस वो भी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव, जहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इस एक को छोड़ दीजिए, आप जब डिटेल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में आती है, इसके लिए डू या डज, ये तो है आपके बहुवचन के लिए, प्लूरल, प्लूरल का मतलब ये बहुवचन, ठीक है। ये लीजिए, और डज आएगी आपके सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ये चक्कर भी आपको बताऊंगा मैं ये अब चार्ट पूरा करवाने के बाद। तो डू और डज आई फर्स्ट फॉर्म में, ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या होगा, ये तो डू है, डू का पास्ट क्या होगा, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, डी आई डी, ठीक है। अब आ जाइए आप फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर का कोई सा भी पार्ट हो, फ्यूचर अपनी पहचान अलग लिए भी होता है, इसमें प्रत्येक टेंस में या तो विल आएगा या शेल आएगा, यह पक्का है। तो जो इधर है ये सारे फ्यूचर के हैं, तो इधर भी लगा दीजिए आप विल या शेल, इधर भी लगा दीजिए आप विल या शैल, इधर भी लगा दीजिए आप विल या शैल। इस जगह का थोड़ा चक्कर पड़ेगा, ये लीजिए विल या शैल, ठीक है। अब आगे देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगने वाली है, डू या डज, पास्ट में डू का पास्ट डिड, फ्यूचर में विल या शैल सभी के साथ कॉमन है। आगे कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगने वाली है, या तो इज या एम या आर, किस किस के साथ कब कब लगेगी, डिटेल में जानेंगे चार्ट के बाद। फिलहाल ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम या आर, ठीक। उसके बाद इसमें लगेगी आपकी वॉज या वर, ठीक। इसमें लगेगी आपकी केबल और केबल बी, ठीक है। आगे परफेक्ट में लगनी है आपके या तो हैज़
या हैव, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ। आगे हैव का पास्ट होता है हैड, एच ई ए डी नहीं, एच ए डी तीन अक्षर वाला हैड। ठीक है, इधर वापस से क्या आ जाएगा, नकल तो करनी है ना, हैव। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट, ये भी क्या है, परफेक्ट। तो परफेक्ट परफेक्ट दोनों सेम है नाम में, तो फिर कुछ गुणों में भी सेम होने चाहिए ना, तो इधर हैज है हुआ है तो इधर भी लगा दीजिए आप, ये हैज या हैव। ठीक है, जो इधर लगाया वही इधर लगा दीजिए आप, हैड प्लस कुछ लिखेंगे भी आगे। इधर क्या लगाया, हैव लगाइए आप, हैव। इसके बाद मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ कि कोई सा भी गेम ख़त्म होने के बाद रेफरी क्या बजाता है, विसिल, और इधर मेरा टेंच ख़त्म हो रहा है, मैं क्या बजाऊँगा, बीन। हैज हैव बीन, इधर है वो इधर भी है, जो इधर है वो इधर भी है, और ये आपका टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का चार्ट हुआ पूरी तरह से ख़त्म। इसके बाद कुछ डिटेल स्टार्ट करनी है, तो इसके लिए आप इसको ज़रा एक बार उतार लीजिए। उतार लें आप इसको एक बार, उतारने के बाद आप इस वीडियो को आप पॉज करके भी उतार सकते हैं, फिलहाल मैं कुछ टाइम तो आपको दे देता हूँ, चलो उतारिए आप। हाँ जी, तो एक बात मैं आपको बता रहा था, एक वचन बहुवचन की, इसमें देखिए आप, ये तो कॉलम है आपके नाउन के लिए, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब छोटी सी परिभाषा, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको अपनी खुली आंखों से दिखाई दे संसार में, मतलब आंखें बंद है, आंखें खोलने के बाद पूरे संसार सागर में आपको जो भी दिखाई दे, अगर उसका नाम है तो वो क्या है, संज्ञा। जैसे मैं खड़ा हूँ, किसी बच्चे ने आके पूछा, अंकल ये क्या है, मैंने बोला मार्कर, ये क्या है, कॉलर माइक, ये क्या है, शर्ट, ये क्या है, इंसान, ये क्या है, फैन, ये क्या है, पोडियम, ये क्या है, वाइट बोर्ड, सभी नेम है, ये क्या है, कॉलेज, ये क्या है, स्टूल, तो जो भी दिखे अगर उसका नाम है तो वो क्या होता है, सीधी सीधी बात, संज्ञा। और एक चीज़ होती है आपके वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, मतलब किसी भी एक्शन या स्टेटस को दिखाना, मतलब किसी भी कार्य को या स्थिति को दिखाए जाने के लिए काम में लिया गया शब्द क्या कहलाएगा, वर्ब। अब इसमें भी आप देखिए चक्कर पे चक्कर, लेकिन आपको चक्कर नहीं आनी चाहिए, एक वर्ड लिखा मैंने मैंगो, ठीक है, एक क्रिया लिखी मैंने गो, एक वर्ड लिखा मैंने बॉक्स, एक लिखा मैंने मिक्स, एक वर्ड लिखा मैंने बेंच, एक लिखा मैंने टीच, एक लिखा मैंने, चलो छोड़िए कुछ भी देख लीजिए आप एक तरीके से, ये लीजिए आप ये बैट, और ये लिखिए आप बीट, ठीक है, ये लिखिए आप प्ले, प्ले का मतलब खेलना नहीं है यहाँ पे, अर्थ खेल, ये लिखिए आप, अब सुनिए आप,
इस मैंगो का अर्थ क्या है? आम। कितने आम? केवल एक आम। तो ये कौन सा कहलाएगा? नंबर का मतलब वचन। तो एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, ठीक है। इस एक वचन को, इस एक वचन, इस सिंगुलर नाउन को बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाने के लिए कुछ किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा? इसमें जोड़ेंगे ई एस, मतलब ये एस या ई एस वाला रूप है और ये बिना एस या ई एस वाला रूप है। तो नाउन में जिसके आगे एस या ई एस होता है वो होता है बहुवचन, जिसके आगे एस या ई एस नहीं होता है, जो अपने मूल रूप में होता है, उसका हिंदी अर्थ होता है एक वचन में, ठीक है। अब तो मैंगो का क्या होगा? मैंगोज। बॉक्स का बॉक्सेस, बेंच का बेंचेस, बैट का बैट्स, प्ले का प्लेज, ठीक है। अगर ये आपको दिख नहीं रहे हों शायद, तो मैं आपकी थोड़ी सहूलियत यहाँ कर देता हूँ। ये मैंगो, ये बॉक्स, ये बेंच, ये बैट, ये प्ले, ठीक। ऐसे यस लगाना, बॉक्स का बॉक्सेस, बेंच का बेंचेस, बैट का बैट्स, प्ले का। तो अब आप देखिए कि ये क्या है? एक वचन, ये सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन। ये कौन से हैं? बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर। और इधर अब वर्ब के साथ सिस्टम जस्ट उल्टा होने वाला है भैया। क्रिया अपने मूल रूप में है, इधर नाउन अपने मूल रूप में था, तो कौन सा वाला था? एक वचन। क्रिया अपने मूल रूप में है तो हमेशा कौन सी रहेगी? बहुवचन में, न कि एक वचन में। यह आप ले लीजिए, यह बहुवचन, और इसको इंग्लिश में ले लीजिए आप, ये प्लूरल नंबर, ठीक। अब इस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाएगा भाई? अगर इसी आई एस जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा? गो के साथ ई एस, मिक्स के साथ मिक्सेस, टीच का टीचेस, बीट का बीट्स, प्ले का प्लेज। ये कौन सा वाला नंबर रहेगा क्रिया के रूप में? एक वचन, एक वचन बोले तो सिंगुलर नंबर, ठीक है। अब ये बात आपको क्यों बताई गई कि एक बात होती है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ठीक है। मतलब एक वचन कर्ता के साथ क्रिया भी कौन सी आएगी? एक वचन क्रिया, समझे। और बहुवचन कर्ता अगर है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन बनने वाली है, बहुवचन करता है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन बनने वाली है, ठीक है। आगे देखिए, उतारिए आप इसको।